मनोज यादव खुद उतर कर हमें बहुत मार मारा। आज तक अपने लाइफ में हमारे ऊपर कभी ना गए थे। तेजस्वी जी के युवा मोर्चा का प्रोग्राम था, वहाँ भी पुलिस के द्वारा हमको बहुत पीटा गया। पार्टी में वहाँ पिटाए पार्टी के लिए, आज पार्टी का खुद विधायक होकर, पार्टी का विधायक होकर हमको इतना मारा। याद कीजिए, आप हमको मारे हैं ना। हम आपको बता दें, यादव को आप आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं। उज्जवल के साथ भी आपने राजनीति चल चला था, उज्जवल को टारगेट किया था। आज उज्जवल यादव के बाद सनोज यादव पे आपका टारगेट हुआ। उज्जवल यादव पे तो आप पुलिसिया कार्रवाई की है, लेकिन आज हम पर डायरेक्ट कार्रवाई। किसी के बाप का नहीं है, साता इंदिरा गांधी के भी हाथ से गया था, अटल जी के भी हाथ से गया था, नेहरू जी के भी हाथ से गया था, शास्त्री जी के भी हाथ से गया था। अरे आप क्या चीज हो, एक तो जिला अध्यक्ष बने हो उसमें हम लोग का समर्थन है, दूसरा क्या बोलोगे। 2008 से हम पार्टी में हैं, पार्टी तो हमारा खानदान इसी में है। जब से लालू जी राजनीति कर रहे हैं तब से हमारे पटी पटीदार भाई समाज गांव लालू जी के नाम पर हमको मारे हैं ना। आंसू हम सबके सामने ले चले, कल्याणपुर विधानसभा हम घूमेंगे, हर जादो के घर घूमेंगे, हर जादो के घर जाएंगे, जिला का हर नेता जनता। साथियों नमस्कार, मैं बहुत ही दुख के साथ लाइव आया हूँ। मुझे मनोज यादव जी के द्वारा आज बापू सभागार में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के द्वारा प्रोग्राम रखा गया था, उसमें मनोज यादव को ना जाने हमारे लोकप्रियता से क्या जलन हो रहा है। हम अपने समर्थकों के साथ, हमारे साथ 200 लोग था, और जिसका भी लोग होता है उसके पक्ष में नारा लगाता है, वैसा ही मेरे साथ हुआ। मेरा भतीजा है, वह एक नारा लगा रहा था, सनोज यादव जिंदाबाद, विनोद श्रीवास्तव जिंदाबाद। मनोज यादव के करीबी लोग, उनके परिवार के लोग पहले हमारे भतीजा को मारने लगा, हमारे कई साथी को मारने लगा। मनोज यादव खुद उतर कर हमें बहुत मार मारा। आज तक अपने लाइफ में हमारे ऊपर कभी इतना मार नहीं खाए थे। एक बार गए पटना में, पिछले 2021 था, उस समय हम पटना गए थे, तेजस्वी जी के युवा मोर्चा का प्रोग्राम था, वहाँ भी पुलिस के द्वारा हमको बहुत पीटा गया। पार्टी में वहाँ पिटाए पार्टी के लिए, आज पार्टी का खुद विधायक होकर, पार्टी का विधायक होकर हमको इतना मारा। मनोज यादव आप याद कीजिए, उस दिन 2020 के पहले आप हमारे पास चुनाव टिकट के समय हर बार फोन करके बोलते थे कि विनोद श्रीवास्तव, विनोद भैया के तनी बोला हमारा ला टिकट ला, मिसा भारती के बोला। हमारे पास सबूत भी है, आज भी रिकॉर्ड रखे हैं कि हम आपको आपके टिकट के लिए कितना सहे हैं, विनोद श्रीवास्तव के घोर पर गिरे हुए हैं आपके टिकट के लिए, मनोज झा के घोर पर गिरे हुए हैं, लालू जी के जेल में जाकर बैठे किए थे उनके घोर पर गिरे हुए हैं। याद कीजिए, आप हमको मारे हैं ना। हम आपको बता देंगे, अगर यादव को आप आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं। उज्जवल के साथ भी आपने राजनीति चल चला था, उज्जवल को टारगेट किया था। आज उज्जवल यादव के बाद सनोज यादव पे आपका टारगेट हुआ। उज्जवल यादव पे तो आप पुलिसिया कार्रवाई की है, लेकिन आज हम पर डायरेक्ट कार्रवाई किए हैं। याद कीजिएगा, घूम घूम के घर घर वोट मांगे हैं, आपसे एक रुपया हम नहीं लिया तो चुनाव में क्योंकि मनोज भाई तो नहीं बोलेंगे, मनोज
ये भी कहने का हिम्मत नहीं कर रहा। अरे यार याद रखो, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। साता किसी के बाप का नहीं है, साता इंदिरा गांधी के भी हाथ से गया था, अटल जी के भी हाथ से गया था, नेहरू जी के भी हाथ से गया था, शास्त्री जी के भी हाथ से गया था। अरे आप क्या चीज हो, एक तो विधायक हो, जिला अध्यक्ष बने हो, उसमें हम लोग का समर्थन है, दूसरा क्या बोलोगे भाई है? एक बात याद रखिएगा 2008 से हम पार्टी में हैं, पार्टी तो हमारे खानदान इसी में है। मानिए को बैठक में बात हम बतिया करें। 90 से जब से लालू जी राजनीति कर रहे हैं तब से हमारे पटी पटीदार भाई समाज गांव लालू जी के नाम पर आता है, और जादू समाज दलित जो भी है लालू जी के नाम पे है। मनोज यादव जी आप हमको मारे हैं ना, ये आंसू हम सबके सामने ले चलेंगे, पूरा कल्याणपुर विधानसभा हम घूमेंगे, हर जादो के घर घूमेंगे, हर जादो के घर जाएंगे, जिला का हर नेता जनता। आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आप लोग फोन मत कीजिए। मनोज यादव का भाई मारा है हमको, मनोज यादव अपने आप हाथ से मारा है हमको, हम नेता नहीं बने, पार्टी किसी के बाप की है। अरे तुम तो कभी कम्युनिस्ट में रहे हो, तुम तो कभी समाजवादी पार्टी में रहे हो, तुम तो कभी भाजपा में रहे हो, अरे हम तो इसमें खानदान मेरा इसी में है। सनो यादव का अपने पहचान है, अपना 13 साल 14 साल का 15 साल जो भी लोग भैया अरमास भाई फोन मत कीजिए। आज मनोज यादव आपने 5,000 लोगों के बीच में हमको मारा है, उसमें से अगर 3,000 जादव जरूर होगा, सभी जादव भाई की हम गोए पर गिरते हैं भाई, हमारा कोई कसूर नहीं है, सिर्फ हमारा समर्थक हमारे लिए नारेबाजी लगा रहा था, विनोद श्रीवास्तव का नाम से नारेबाजी लगा रहा था। अरे भाई विनोद श्रीवास्तव जिला का वरिष्ठ नेता है, पार्टी में वरिष्ठ नेता है, दो बार चुनाव लड़ चुके हैं। आप इतना मत कीजिए, हम किसी के पीछे घूमने वाले नहीं हैं, हम सभी कल्याणपुर के जादव भाई लोग का हाथ पकड़ के गोद पकड़ते हैं। भैया मेरे जैसे ईमानदार लोगों का ही नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। उज्ज्वल के साथ भी ऐसा ही किया था, 25 को यादव लड़का पे केस करवा दिया। फोन मत कीजिए, याद रखिएगा, आपको हम कह रहे हैं ना, सनो यादव को आप दबाने का कोशिश किया है मारकर, मेरा इज्जत नहीं किया है, हम सभी कल्याणपुर यादव के समाज के बीच में आप पैर पकड़ेंगे। इस तरह भी आपको यादव कोई अब चाह नहीं रहा है, आप सूर्य यादव, आप बच्चा यादव, आप अरुण यादव कभी नहीं बन सकते हो। अरे क्या बोले, तुम तो हमारे घर का भाई हो, हमारे फुआ का लड़का हो, तब भी इतना जलन है तुमको हमसे? अब याद रखिएगा मनोज जी, एक आप हत्या भी कर दीजिएगा, लेकिन आपको अंत तक आपके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, हर घर घर हम घूमेंगे। आप जादो हैं तो हम भी जादो हैं, हम कोई ब्राह्मण नहीं है, हम कोई आदिवासी नहीं है, हम भी जादो हैं। सभी लोग हमारे साथ है। बहुत गलत बात हुआ है भाई, आप लोग जितना लोग देख रहे हैं, मान लीजिए हम लोग तो कभी भी उनको हमेशा कुटुम्बे हम लोग सोचे या समझे, आज भी मानते आ गए हैं, जितना लोग बैठा हुआ है आज सभी लोग सारा लोग कुटुम्ब है उनका, फिर भी हम लोग के बीच में हमारे अपने घर के लोगों को, हाँ तब क्या, हमारे घर के लोगों को अब बच्चा को आप मार रहे हैं पीट रहे हैं, ये अच्छा नहीं होगा, आपसे कौन रिश्ता रखेगा, भले आपको बुरा लगे कुछ भी लगे, लेकिन गलत हुआ, आप गलत किए हैं मनोज भैया, कहीं से अच्छा बात नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बात याद रखिए, हम बड़ी आक्रोशी आदमी है, आपको मालूम नहीं है मनोज जी, अगर लड़ाई करना है तो आप आइए सामने, हम आते हैं सामने,
हम अगर घूम कर आपको एक भी हाथ मार देते तो आपका इज्जत नहीं रहता। आप हमारे शॉर्ट मारे, गंजी फाड़े, ठीक है, हमको मारे, जितना मारना तो मारे, लेकिन अगर हम आपका इज्जत किए हैं, हम आपको अगर घूम के हाथ चला देते, अगर हम आपको मार देते तो आपका कोई पूछने वाला नहीं था। आप हम सभी उन दलित भाई यादव भाई से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, मेरे जैसे आदमी का, हम 15 साल से सभी लोग जानता है हमारे बारे में, कभी किसी से 1 रुपया हम नहीं लिए पार्टी के लिए। अगर किसी से लिए भी होंगे तो भाई आप अपने कमेंट करके बता दीजिए। लेकिन मनोज यादव जी, याद रखिए, हमारे साथ जो भी किया है बहुत गलत किया है, हम आपसे बदला लेंगे और मारपीट करके बदला नहीं लेंगे, हम सभी यादव समाज के बीच जाएंगे। आपको हम बहुत बचाने की कोशिश किए हैं, समझे, बहुत मारे। ठीक है मनोज जी, हम आपको बताएंगे, याद रखिएगा, हम मारपीट नहीं करेंगे, हम यादव समाज के बीच जाएंगे। आपको जितना ताकत था उतना लगा लिया।